ये है दिल्ली दर्पण। राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग में आज दोपहर झुग्गियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि दर्जनों झुग्गियां उसकी चपेट में आ गई और जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग को काबू में तो कर लिया, लेकिन लोगों के आशियाने को जलने से वो नहीं बचा पाए। स्थानीय लोगों की माने तो आग पास में ही इकट्ठा हुए कूड़े के ढेर में लगी थी, जो फैलकर झुग्गियों तक पहुंच गई। गनीमत ये रही कि समय रहते लोग झुग्गियों से निकलकर बाहर आ गए, नहीं तो किसी की जान भी जा सकती थी। दिल्ली में लगातार कई जगहों पर आग लगने की खबर आ चुकी है, उसमें से ज्यादा हादसे कूड़े के ढेर में आग लगने से हुए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इन घटनाओं का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए। यार ये तो आग कैसे लगी ये तो नहीं बता सकते, लेकिन बस ये इतना कह सकता हूँ कि ये आग लगी है और यहाँ पे जितनी ये फायर ब्रिगेड, आग लगे 1.5 घंटा होगा और फायर ब्रिगेड 1.5 घंटे बाद आई है। 11:50 पे कॉल मिली हमें झुग्गियों में आग के लिए, और 6 गाड़ियां मौके पे लेकर आए हम, 6 गाड़ियों से आग बुझा दी गई। इसमें कोई घायल नहीं है, कोई इंजर्ड नहीं है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ कांची बंसल की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर